देखें हमारी जो है खिचड़ी तैयार है, बहुत ही मज़े की। इसको आप रायता, अचार या प्याज के साथ भी खा सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जो आज हम बनाने जा रहे हैं खिचड़ी, ये देख सकते हैं आप। तो आज दिल करा था कुछ लाइट सा खाने का, तो मैंने सोचा चलें खिचड़ी बनाते हैं। तो हमने चावल और दाल को अपने धो के, इसको हमने आधे घंटे से ज़्यादा हमने इसको भिगो के रख दिया है। यहाँ हमने अपने प्याज काट लिए जो कि हम ब्राउन करेंगे, और ब्राउन करने के बाद फिर हम कुछ अपने मसाले ऐड करेंगे। तो ये साथ साथ आपको मैं प्रोसेस बताती जाती हूँ। देखिए ये हैं हमारे प्याज, जो कि मैंने दो प्याज ले लिए थे नॉर्मल साइज़ के, और अब हम इसको अपना ऐड कर देंगे ऑयल के अंदर। हम इसको जो है थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, और इसको हम जो है थोड़ा जो है ना खिचड़ी में ज़्यादा थोड़े से ब्राउन प्याज करके, जो ब्राउन प्याज कर लिए थे तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो अगर आप नॉर्मल रखना चाहें, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना चाहते तो ना करें। और हम इसको जो है थोड़ा सुनहरी सुनहरी रहने देंगे, ये देखें। तो जब तक हमारे प्याज ब्राउन होते हैं, हम एक अदर टमाटर भी कट कर लेते हैं। आपकी मर्ज़ी, टमाटर वैसे लोग डालते हैं या नहीं डालते हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन मुझे हमें अच्छे लगते हैं, अच्छा लगता है टमाटर आप डाल दो तो उससे ज़ायका इन्हेंस हो जाता है। तो जब तक कि हमारे टमाटर ब्राउन होते हैं, हम अपना एक प्याज जो है कट कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमारा जो प्याज है वो हल्का हल्का जो है गोल्डन होना शुरू हो गया है। आप चाहें तो इतना भी रख सकते हो, और इसे थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं। तो हम इतना ही इसको रखेंगे, और थोड़ा सा अब इसमें हम एक टमाटर और एक दो हरी मिर्ची हम इसमें कट करके डाल देंगे। हमारा प्याज जो है हम इसको थोड़ा सा हिला लेंगे, इसमें ऐड करेंगे एक टमाटर और दो अदद हरी मिर्चें। इसको हम अच्छे से थोड़ा सा जो है प्याज, अपनी हरी मिर्चें और टमाटरों को हम थोड़ा सा नरम होने देंगे, उसके बाद हम अपने मसाले ऐड करेंगे। आप चाहें तो टमाटर स्किप कर सकते हैं, हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। तो जो है ये काफ़ी, तो हमारी तबीयत ख़राब होती है, बीमार होते हैं, तो उसमें भी खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो अभी तो हम अल्लाह का शुक्र है, बस दिल कर रहा था खिचड़ी बनाने का, तो हम खिचड़ी बना रहे हैं। बीमार तो कोई नहीं है अल्लाह का शुक्र है घर में, क्योंकि खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है। एक तो जो है, एक तो बिल्कुल लिक्विड वाली हम भी बनाते हैं, वो भी बहुत पसंद है। और ये हम थोड़ी सी जो है इसको हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, हम अपने टमाटरों को सॉफ्ट होने देते हैं, उसके बाद हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें। मसाले की भुनाई हमने कर ली है, अब हम इसमें अब डालेंगे अपने मसाले जो के हैं कुछ। ये हमने लिया है नमक हसबे ज़रूरत, काली मिर्च, थोड़ी सा गरम मसाला है ये कुटा हुआ, और ये है हमारा ज़ीरा। दो इलायची ले लिए बड़ी, उसको खोल दिया है। थोड़ी सी काली मिर्च ये जो है हमने दाने लिए, और थोड़ी सी हमने कुटी हुई लाल मिर्च लिया जायके के लिए। तो ये हमारे कुछ मसाले थे जो कि हम ऐड करने लगे हैं अपनी मज़े सी चटपटी खिचड़ी में। तो हम अपने मसालों को भी अच्छे से जो है अपने मसाले के साथ भून लेंगे। अगर आपका मसाला लग रहा होगा तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दें, और अच्छे से अपने मसाले को जो है हम भून के फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम इसमें अपना पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला जो है जले नहीं, और अच्छे से भुनाई कर लें हमारे मसाला, अच्छे से जो है मसालों के साथ जो है हम इसको पका लें ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। दैन हम इसमें अपना पानी ऐड कर देंगे, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने दाल और चावल जो कि हमने हैं भिगो के रखे हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। ये नरम हो गई है, देखिए थोड़ी सी फूल भी गई है। तो फिर इसको हम अपनी जो है ऐड करेंगे पानी के अंदर, और फिर हमारी जो है मज़े मज़ेदार चटपटी सी खिचड़ी जो है हम तैयार करेंगे। इस पॉइंट पे जो है हमारा मसाला तेल, हमारा जो मसाला अच्छे से भुन चुका है, मसाले ने तेल छोड़ दिया। इस पॉइंट पे हम डालेंगे अपना पानी। पानी खिचड़ी में थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है।
ये देखिए, हमने अपने जो मसाला और जो हमने खिचड़ी का जो बनाया था उसको हमने भून के अच्छे से, हमने उसमें तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है। और अब इसमें जैसे बॉयल आएंगे तो हम इसमें अपने दाल और चावल इसमें हम अपने ऐड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे जो है हमारे पानी में बॉयल्स आना शुरू हो गए हैं। इस पॉइंट पे हम अपने जो है चावल और दाल ऐड करेंगे। देखें कैसे इसमें उबाले आना शुरू हो गए हैं और हमारा जो है मसाले की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने दाल और चावल। ये है हमारे दाल और चावल जो हमने सोक करके रखे हुए थे आधे घंटे से, आधा घंटा तकरीबन। अब हम इसमें जो है ये जो है हमारा, हम अपने पानी में इसको ऐड करेंगे। देखिए किस तरीके से फूल चुकी है हमारे चावल और दाल। तो ये देखें, हमने अपने चावल और दाल इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। मैं बनाने लगी हूँ थोड़ी सी सेवैयाँ, पड़ी हुई थी हम पंजाब से लाए थे। तो अब ये जो है ये मीठी सेवैयाँ, गुड़ वाली हम सेवैयाँ भी साथ साथ बनाने लगी हूँ। ये हमने गुड़ जो है ले लिया है, ये देसी गुड़ आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ी सी सेवैयाँ बनाएंगे गुड़ वाली। और यहाँ पे हमने पानी में अपना जो है गुड़, हमारा जो देसी गुड़ था उसको हम मेल्ट कर लेंगे। ये हमने अपना जो गुड़ का पानी मेल्ट हो गया, इसमें हमने इलायची डाली है 3 से 4। और ये अब हम इसमें अपनी सेवैयाँ ऐड करेंगे। और ये अब हमने इसमें अपनी सेवैयाँ ऐड कर दी हैं, ये देखें। तो ये हमारी गुड़ वाली सेवैयाँ तकरीबन देखें रेडी हो गई हैं। देखें हमारी गुड़ वाली सेवैयाँ जो हैं तैयार हो गई हैं। देखें हमारी जो है खिचड़ी तैयार है, बहुत ही मज़े की। इसको आप रायता, अचार या प्याज के साथ भी खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।